हैं और YouTube पे अगर खजुराहो लिखकर सर्च करते हैं तो कितने ही YouTube वीडियोस आपको देखने को मिलेगी जिसमें खजुराहो के बारे में बताया गया है। मैंने भी देखा है, लेकिन आपको इस वीडियो में जो चीजें मैं बताने वाली हूं आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो खजुराहो के मंदिर है जो कि हजार साल पहले बनाए गए, जो मूर्तियां वहां पे बनाई गई, उसके पीछे का सच क्या है, क्या रीजन है जो मूर्तियां बनाई गई। तो डियर, उस वक्त बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा प्रचलन में था। उस बौद्ध धर्म को जो तेजी से ग्रो कर रहा था उसे रोकने के लिए इन मूर्तियों का निर्माण किया गया। क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या होता है, जो लोग इसे फॉलो करते हैं वो धम्म में चले जाते हैं, वहां पर ब्रह्मचार्य जैसी चीजें होते हैं। तो ऐसे में अगर हर कोई इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाएगा तो समाज कैसे चलेगा। तो इसी बौद्ध धर्म को रोकने के लिए, ताकि ज्यादा प्रचलित ना हो, ज्यादा ग्रो ना करे, इस तरह की मूर्तियों का निर्माण किया गया, ताकि ऐसी उत्तेजित मूर्तियां देखकर लोगों में करंट पैदा हो और वो संसारिक जीवन से विमुख ना हो पाए। तो ये था एक रीजन। और दूसरा रीजन क्या था कि अगर कोई इंसान मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, वो अपना संसारिक जीवन से मुक्त होना चाहता है, ऐसे में वो उपासना के लिए जो उस मंदिर में जाता है, ऐसे में उसके लिए परीक्षा की घड़ी होती है कि एक तरफ तो देवी देवताओं की मूर्ति है जिसकी उसे उपासना करनी है और वहीं साइड में ही काम वासना से रिलेटेड मूर्तियां वहां पर बनी हुई है, तो कहीं उसका ध्यान तो नहीं भटकता है, कहीं वो अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहा है। तो ये देखने के लिए वहां पर इस तरह की मूर्तियों की स्थापना की गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मीठा खाना छोड़ना चाहता है और उसके सामने अगर मीठा रख दिया जाए, उसके बावजूद भी अगर उसको मीठे खाने की चाह नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उसने अपनी शिक्षा पर विजय प्राप्त कर ली है। तो सेम वही चीज है कि उन खजुराहो में जिस मूर्तियों का निर्माण किया गया, कहीं ना कहीं वो सामने वाले की परीक्षा लेने के लिए किया गया कि एक तरफ आपके पास काम है और दूसरी तरफ मोक्ष, किस तरफ जाना चाहते हैं, अब आप इसे किस तरीके से समझना चाहते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो चाहे तो कोई ये भी समझ सकता है कि यार अधनग्न मूर्तियां हैं वहां पे स्थापित है, तो कोई ये भी समझ सकता है कि परीक्षा की घड़ी है। अचंभित करने वाली बात यह है कि आज तक भी काम ही जीता हुआ है, वरना क्यों बोला जाता है कि वो खजुराहो के मंदिर है। क्या खजुराहो की पूजा होती है वहां पे, वहां पर किन की पूजा होती है ये सब जानते हैं, यूट्यूब वीडियोज में भी बताया जाता है कि किन की पूजा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यही बोला जाता है कि वो खजुराहो के मंदिर है। चलो मान लिया कि पूरी दुनिया कहती है कि सेक्स के ऊपर बात करना गलत है, मैं अपनी वीडियोज में इतना खुलकर सेक्स के ऊपर बात करती हूँ तो वो गलत है, तो क्या ये जो मूर्तियां हजारों साल पहले बनी ये भी गलत है। कितने शासक आए, कितने रूलर आए जिन्होंने हमें अपने हिसाब से रूल किया, कितनी तोड़फोड़ करी, कितना नुकसान किया, लेकिन इन मंदिरों को हाथ तक नहीं लगाया। अंग्रेज आए जिन्होंने इंडिया को इतना लूट खसोट लिया, सोने की चिड़िया के पंख नोच नोच कर बराबर कर दिए, लेकिन इन मंदिरों को आज तक नहीं हाथ लगाया। और ऐसा नहीं है, इतिहास अपने आप में गवाह है, इतिहास ये बताता है कि कितने मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन ये मंदिर एज इट इज है, इसको तोड़ने की कभी बात ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, कभी सोचा है? अगर कोई चीज गलत है तो पूरी तरह से गलत है ना, तो ये होनी भी नहीं चाहिए। अब तो चलो ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर घोषित कर दिया गया है, लेकिन अगर आज की बात करें, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, बायकॉट तो किया जा सकता है। तो जिन लोगों को इतनी परेशानी है सेक्स से, इस तरह की मूर्तियों से, इस तरह की कोई चीज अभद्र है, चीज ठीक नहीं है, तो बायकॉट तो कर सकते हो आप, तो कीजिए बायकॉट। वो चलाते हैं ना सोशल मीडिया पे हैशटैग देश और हैशटैग ऐसे करके, तो हैशटैग खजुराहो चलाइए। अब जैसे वैलेंटाइन डे होता है तो कपल्स को पीटा जाता है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है और ये चीज हम करने नहीं देंगे, तो जाइए ना खजुराहो के मंदिर के वहां पे जाके खड़े हो जाइए और बोलिए कि ये चीज अभद्र है, ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज गलत है, हम इसे देखने नहीं देंगे, रोक लगाइए वहां पे। अगर एक्सेप्ट नहीं करते इन चीजों को, सेक्स पे बात करना बुरा है और ये खजुराहो के जो मंदिर है ये नहीं होने चाहिए, तो इनका अगर विरोध ही करना है तो पूरी तरह से विरोध करो, लाठी लेके खड़े हो जाओ वहां पे कि हम नहीं देखने देंगे इन चीजों को। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लाठी लेकर वहां पर जाओगे कि हम देखने नहीं देंगे किसी को भी, और जब आपको कोई देख नहीं रहा होगा तो आप खुद निहारने लग जाओगे उन मूर्तियों को। तो डियर, ये चीज है, ये अट्रैक्शन की चीज है, अधिकांश यूज इस दुनिया में इसी चीज के लिए होते आए हैं और आप इसी चीज से नकारने की कोशिश करते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि शराब पीना मना है लेकिन पियेंगे, खजुराहो गलत है ये सही नहीं है लेकिन टिकट लगाकर वहां देखने भी जाएंगे। तो डियर, अगर कोई चीज सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, पहले खुद को तोलो। खुद को भी कंफ्यूज करके रखा हुआ है, पिछली पीढ़ियां भी कंफ्यूज थी और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी कंफ्यूज करके रखना चाहते हो। सेक्स जो है ना वो करने की और करके खत्म करने की चीज है, ये दिमाग में रखने की चीज नहीं है। इसे जितना दिमाग में रखोगे उतना कंफ्यूज रहोगे।
कहने का मतलब यह है कि कंफ्यूजन को निकालो दिमाग से। अगर वो चीज आपके लिए सही है तो उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, और अगर गलत है तो पूरा बायकॉट करो। मेरी तरफ से खजुराहो के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो।